और एक चीज और जो बहुत अहम है, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने वाली बात, वो तो इतनी साफ रिवायत है तो उसका इनकार नहीं। जरा पढ़ देता हूं मैं कि नमाज होती ही नहीं है। और बताइए दलील, दलील की हदीस पाक, वान उबादत अब्न सामित रजी अल्लाह तआला ने कहा, सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह फसकुलत अलैहिल क़िरा फलम्मा सरफ कौल इन्नी अराकुम तक़रऊना वरा इमामिकुम फारकुल या रसूलुल्लाह इल्लल्लाह क़ाल ला तफ़अलु इल्ला बिउम्मिल क़ुरान फ़इन्नु ला सलाता लिमन लम यक़्रा बिहा रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी किताबिस सलाह। हज़रत इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह इन्हीं अल्फाज़ के साथ ये रिवायत किताब सलात के अंदर लाए, ये रिवायत तिर्मिज़ी में मौजूद है। हज़रत उबादत ने साबित फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़ाई और पीछे सहाबे किराम पढ़ रहे, क़िरात करना मुश्किल हो गया आपके ऊपर। जब आपने सलाम फेरा तो कहा, फरमाया ऐसा लगता है मुझे कि तुम लोग अपने इमाम के पीछे पढ़ते हो, इन्नी वरा इन्नी अराकुम तक़रऊना वरा इमामिकुम, मेरा ख्याल है इमाम के पीछे पढ़ते हो तुम लोग। रावी कहते हैं कुल्ला या रसूलुल्लाह इल्लल्लाह, हां अल्लाह के रसूल हम पढ़ते हैं। قال لا تفعلوا الا بام القران سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ نہ پڑھو کوئی نو صلاۃ لمن لم يقرا بها سورہ فاتحہ پڑھ ہی لو اس لیے کہ بغیر سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے صاف بات کہہ دی گئی، اب اس کے اوپر آسانی سے عمل کیا جا سکتا تھا بجائے اس کے کہ کوئی تعویل کی جائے، بجائے اس کے کہ حدیث کا انکار کیا جائے۔